बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। सिंध में सैलाब गांव के गांव निकल गया। भूख नया अलमिया जन्म देने लगी। लाखों लोग बेयारों मददगार, करोड़ों बेघर। 300 बच्चों समेत 900 से ज्यादा अफराद लुकमय अजल बन चुके। सड़कें और फसलें तबाह। वजीर आजम ने पहले से तयशुदा बरतानिया का दौरा मनसूख कर दिया। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन रिलीफ की यकीन दहानी। मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत। GHQ में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब की सूरत हाल और फौज के रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। गैर मामूली बारिशों में जानों माल के नुकसान पर दुख का इजहार। कर्क का इस वक्त जमीनी राबता जो है वो बलूचिस्तान के और इलाकों से मुनक़ता हमें दिखाई दे रहा है। पानी का इतना प्रेशर है कि मैं एक ये जंगली पौधा है इसके साथ जो है वो आके खड़ा हुआ हूँ ताकि प्रेशर कम महसूस हो और मैं सैलाबी रेले में बह ना जाऊँ। पानी इतना है कि आप समंदर भूल जाएं। तवील दुश्वार रास्तों से गुजरकर सैलाब मुतासरीन तक पहुंचे। खुद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं समा के जांबाज। मुतासरा सूबों का अहवाल दिखाने में पेश पेश। राजनपुर, कोहे सुलेमान, सखड़ से मेहड़ और कोहलू से करख। हर जगह से आंखों का देखा हाल बर वक्त पहुंचा रहे हैं। रिपोर्टर्स खुद मुश्किल में घिर गए लेकिन मुतासरीन की खबरगिरी जारी रखी। और रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में गोदाम में आग लगने का वाकया। आग तेजी से फैली, तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। फायर फाइटर्स का बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। आग बुझा दी गई, कूलिंग का अमल जारी।